सभी भोगते कष्ट मात्र मुनि राज भोगते सुख की धान परा दीन दुख से भी कहिए शेष दुख स्वाधीन कहो यदि ऐसा नहीं हो ये तपस्वी मुनि जन कैसे सुखी कहो यदि ऐसा नहीं हो ये तपस्वी मुनि जन कैसे सुखी कहो मोह रूपी निद्रा के वश में हुआ प्राणी चतुर गति के अपार दुखों को भोगता रहता है। चतुर गति के दुखों को भोगता रहता है ये एक सामान्य पंक्ति है और शायद हम इस पंक्ति को सुनकर इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अभी ये चतुर गति के दुखों को भोगता है ये पंक्ति हमारे को कुछ असर ही नहीं करती। हाँ ठीक है, भोगता है चतुर गति के दुखों को, माने चतुर्गति के दुख चार गति चौरासी लाख योनियां, ये चर्चाएं अपने को बिल्कुल ऐसी सहज लगती है कि वो कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ हमारा बुरा होने वाला है, हम दुख उठाएंगे, अभ्यस्त हो गए हैं उससे। जैसे दंड व्यवस्था में भी ऐसा ही है ना, जब धीरे धीरे करके वो असर कम होता चला गया। हाँ माधिक ऐसी दंड व्यवस्था चालू हुई प्रारंभ में कुलकरों के समय में, हाँ बस हाँ इतना सा कह दिया और सामने वाले को दंड मिल गया। इतना सा कहने मात्र से किसी ने कोई गलती की और उससे इतना सा कह दिया गया, हाँ बस उनको सजा मिल गई कि मेरे को ऐसा कैसे कह दिया। और फिर धीरे धीरे करके उसका असर कम होने लगा, अरे बाबा ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। फिर दूसरी बात हाँ के साथ में माँ एक दूसरी दंड व्यवस्था, मत करना ये और कह दिया। पहले बात कही हाँ और दूसरा काम माँ, माने उससे बहुत खतरनाक, किसी व्यक्ति को हाँ कह दे तो उसको दंड मिल गया और इसके बाद में मत करना माँ ऐसा और कह दिया गया तो मानो बहुत बड़ी सजा दे दी गई उसको। और फिर धीरे धीरे करके ए क्या मत करना, ठीक है कह दिया नहीं करना, ऐसे कहते रहते मत करना क्या क्या दंड है इसमें। और फिर इसके बाद में तीसरी एक और दंड व्यवस्था, वचनात्मक दंड व्यवस्था कुलकर्म के माध्यम से चालू हुई तीसरे काल के अंत में, जिसमें कहा गया धिक्कार है, माने किसी को कह दिया हाँ ये क्या कर दिया, ये क्या किया, ऐसा अब मत करना, अधिकार है तुम्हारे को, तो मानो उसको सबसे बड़ी सजा दे दी गई हो, इससे बढ़कर कोई सजा ही नहीं थी उस तीसरे काल के अंत तक। सबसे बड़ी सजा थी ये, इससे बढ़कर कोई सजा की व्यवस्था ही नहीं थी। पहले दूसरे तीसरे तक नहीं, सिर्फ तीसरे काल में, तीसरे के अंत में कर्म भूमि के समय की ये व्यवस्था है। अब देखिए जब इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रही और धीरे धीरे करके फिर ये भी असर नहीं होने लगा, फिर उन्हें धीरे धीरे करके और ज्यादा डांट देना है, फिर उन्हें पीट देना, फिर सिपाहियों के माध्यम से उन्हें पकड़ करके राजा के सामने ले आए, राजा ने समझाया, बहुत बड़ी सजा हो गई, राजा के सामने पेश कर दिया गया और बड़ी सजा, उससे आगे बढ़ करके बंदी गृह में डाल दिया गया उनको, एक दिन की सजा हो गई है, उनको कोड़ों से मार देना पीटना, ये सजा बढ़ती 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 कहाँ तक कि आज तो फांसी पे भी चढ़ाने की बात हो तो कहते हैं कोई बात नहीं, असर है फांसी पे तो चढ़ाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। तो इस तरह से अब ये जिस तरह से मैंने वो दंड व्यवस्था की बात करी, ठीक इसी प्रकार ये सब मनुष्यों का स्वभाव ऐसा है, किसी व्यक्ति ने कभी चतुर्गति के दुखों की चर्चा सुनी नहीं हो, कभी चार गति चौरासी लाख योनियों में भटकने की बात उसने न सुनी हो तो उसे एकदम सुन करके भय लगता है। लेकिन बरसों से सुनते हुए लोगों को जब ये बात कही जाती है कि अरे अरे मोह निद्रा के वशीभूत होकर अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते हुए चार गति चौरासी लाख योनियों में भटकना पड़ेगा,
तुरंत ये कहते हैं ठीक है, तो कौन सी नई बात कह रहे हो, भटकते ही आए क्या है, भटकेंगे भटक लेंगे। ये चार गति 84 लागी होने में भटकने का मतलब समझते हो, ये क्या मतलब है? तो फिर आचार्य देव उसको विस्तार से बताते हैं, थोड़ा विस्तार करके उस बात को कहते हैं कि देखो मनुष्य गति के अंदर इस प्रकार के दुख उठाएगा, वर्तमान में प्रकट उठा रहा है और भविष्य में भी इस प्रकार के दुख उठाएगा। देव गति में मानसिक दुखों की बहुत बाहुल्यता है और देव गति के जीव भी सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आकुलित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और उनकी परेशानी से बचने का एकमात्र उपाय क्या है कि आत्मस्वरूप को जानना और पहचानना ही एकमात्र उसका उपाय है। इस तरह से मानसिक दुखों की चर्चा की गई देवगति के जीवों के संदर्भ में। माने रिद्धि धारक देव भी यदि हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न भी यदि वे हैं, तो भी वे सुखी नहीं हो सकते हैं। देखिए फिर तिर्यंच गति के दुख कहे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। मनुष्य गति के दुखों के संदर्भ में बात लगाना प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं और तिर्यंच गति के दुखों के संदर्भ में लगाना प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, क्योंकि मनुष्य गति के दुखों को हम अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, और तिर्यंच गति के दुख को अनुभव तो नहीं कर रहे, लेकिन तिर्यंच गति के दुख हमारे को दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं हमारे को। देखिए 56 नंबर पेज पर नारकियों के दुख की बात, कल हमने यद्यपि थोड़ा बहुत पढ़ा भी है यहाँ से, नारकियों के दुख की क्या बात कहें, माने क्या वर्णन करें, क्या बात करें, कितनी बात कहें आपसे और क्या क्या कहें उनके बारे में। जैसे अपन कभी कभी कह देते हैं ना, ऐसी बात भी अपने माध्यम से कही जाती है, अब क्या कहें, बस हम भोग रहे हैं, बस अब क्या कहें उसके बारे में, कुछ नहीं कह सकते, वर्णन नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, नारकियों के दुख की क्या बात कहें, वे तो दुखमय ही हैं, क्या दुखमय, दुख से अत्यंत तन्मय, दुख से आकुल व्याकुल, दुख से परेशान, उन्हें छेदन भेदन ताड़न ताप आदि शारीरिक दुख, कहीं कोई ऐसी बात पढ़ी थी अपन ने, सम्यक दृष्टि नहीं है उनको, इसी में आई थी क्या कोई बात, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है एक दो दिन, मतलब बहुत निकट कल ही की बात है या कल परसों ही, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा, मतलब बहुत दुखों का वर्णन किया, फिर दुखों का वर्णन करते हुए कहा कि सम्यक दृष्टियों को छोड़कर। और एक इस तरह की पंक्ति चतुर्गति के दुखों के संदर्भ में पद्यानुवाद में भी आई है, ये जो अपन ने पाठ किया ना इस पद्यानुवाद में, माने सब दुखी हैं ऐसी चर्चा की, अभेदा मुनिराज एकमात्र सुखी है, ऐसे सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में भी पढ़ी मैंने। देखो क्या है, 65 नंबर की है ये, निर्जन जन धन बिना दुखी अरु तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। हर संसार में सब दुखी है, संसार में सब दुखी है, हर व्यक्ति कष्टमय है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, बिना धन के निर्धन व्यक्ति दुखी है, धन होने से भी तृष्णा के कारण दुखी है, तो सब दुखी है, सब दुखी है, लेकिन मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। कैसी बात करते हैं गजब, माने कोई व्यक्ति को इस तरह का भ्रम नहीं हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा न समझ ले रहे कि सभी दुखी है का मतलब सभी दुखी होंगे, सभी दुखी है ये बात कही तो जा रही है, नहीं, इसका अर्थ क्या है कि जो मोह के वशीभूत है वे दुखी है, जो तृष्णा से व्याप्त है वे दुखी है, जो आकांक्षा और इच्छाएं रखने वाले हैं वे परेशान है, अल्प संपत्ति होने पर भी अधिक की चाह रखने वाले परेशान हैं, और अधिक होते हुए भी और अधिक चाह रखने वाले भी और परेशान हैं, लेकिन सामग्री कम हो चाहे अधिक हो, जिनके हृदय में चाह नहीं है वे परेशान नहीं, वे दुखी नहीं, तो मात्र मुनिराज भोगते, क्या भोगते हैं, सुख भोगते, इतना सा नहीं कह रहे, मुनिराज भोगते सुख की खान, सुखों की खान है उनके पास में, तो वे उसको भोगते हैं, कांश नहीं है, तो कांश नहीं है,
सुख का अंश चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के और सुख की खान मुनिराजों के पास गए। लेकिन खान कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, आखिर कभी तो खत्म होती ही है। और अक्षय अनंत सुख वो अनंत सिद्धों के पास और कभी समाप्त नहीं होने वाला। देखिए यहाँ नारकियों के संदर्भ में कह रहे हैं उन्हें छेदन भेदन माने टुकड़े टुकड़े कर देना। नारकियों के भी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असि जो देह विदारे तत्र बोलो सेमर तरु दल जुत असि पत्र असि जो देह विदारे तत्र। फिर कह रहे हैं ताड़न ताड़ते हैं माने ताड़न का मतलब प्रताड़ना देते हैं। असुर कुमार आदि जाति के देवों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, डांटना फटकारना चिल्लाना मारो ये सब ताड़न शब्द के अंतर्गत है। और ताप ये गर्मी के दुख ताप आदि शारीरिक दुख ये सब क्या है शरीर संबंधी इस तरह के दुख नरक में भोगे। और मन में महाक्लेश शारीरिक वेदना और उसके साथ साथ में मानसिक क्लेश। और मानसिक क्लेश क्या है मन में क्या क्लेश बना हुआ है, मन में क्लेश नहीं महाक्लेश बना हुआ है। आपस में एक दूसरे को देख करके त्रेम जगति के जीवों जैसे लड़ते हैं क्रूर पशुओं की तरह और एक दूसरे को मारते पीटते हैं। ये तो शारीरिक बात हो गई, फिर पीटेगा मेरे को, ये मुझे पकड़ रहा है, ये मुझे पकड़ करके फिर कड़ावे में पटक देगा, इस तरह की वेदना। ये टुकड़े टुकड़े हो गए लेकिन फिर जुड़ जाता हूँ, ये भगवान मेरा जीवन पूरा क्यों नहीं होता है। और कषायों की तीव्र वेदना, क्रूर आदि कषायों की बहुत तीव्रता दिखाई देती है और कषायों की पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। शारीरिक पीड़ा की तुलना में कषायों की पीड़ा बहुत अत्यधिक है। मन में महाक्लेश, क्षेत्र जनित अति शीत और उष्णमय स्थान के दुख। क्या कह रहे हैं क्षेत्र संबंधी, क्षेत्र जनित कैसे दुख है, अति शीत और अति उष्णमय स्थान, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता थाए। सुमेरु पर्वत के समान इतना विशाल लोहे का गोला भी जिस गर्मी के कारण पिघल जाए और जिस सर्दी के कारण गल जाए, समझिए आप ऐसे स्थान संबंधी दुख हैं। शीत और उष्णमय स्थान के दुख, क्षेत्र संबंधी दुखों की बात कही। और क्षेत्र संबंधी दुखों में क्या बात ले सकते हैं अपन, तहां भूमि पर सत दुख ऐसो है ना, ये क्षेत्र संबंधी दुख है। भूमि का स्पर्श करना स्थान क्षेत्र टच करते ही ऐसा लगता है करोड़ों बिच्छू ने काट लिया, अगर तो बिच्छू काटने का करोड़ों बिच्छू बात करता है, एक बिच्छू काट लेवे तो हालत देखने लायक होती है, उजलता है अपार वेदना, मानो भारी जिसको काटा है उसे ही पता लगता है भारी वेदना होती है एक बिच्छू काट लेवे तो। करोड़ों बिच्छुओं के काट लेने पर कैसी वेदना होती होगी, कैसा करंट लगता होगा, रहना पसंद नहीं करता, भूमि को स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि नहीं रहूंगा और उछलता है वापस, लेकिन क्या करे हवा में कब तक रह सकता है, निराधार कब तक रह सकता है, भूमि पर तो टिकेगा ही, बॉल की तरह उछलता है, बॉल जैसे उछाल दी गई हो ना और फिर जमीन पे टकरा करके बार बार में उछलती रहती है वो, लेकिन क्या होगा कब तक उछलेगी, जमीन से टकरा के कब तक उछलेगी, 2-5-10 बार उछलते हैं और फिर उसके बाद में दुख को भोगता है, अपार वेदना को सहन करता है। दुर्गंध आदि के दुख, दुर्गंध के दुखों में सब वही ऊंट बैल गधा सुअर ऐसे जो जानवर हैं जंगल में रहने वाले, इन सब जानवरों को इनको मर जाने के पश्चात महीनों तक इनकी लाश सड़ती रहे किसी जगह पर तो उससे जो दुर्गंध व्याप्त होती है उस दुर्गंध से भी अनंत गुनी दुर्गंध नरक की मिट्टी में है ऐसा उल्लेख किया है। यति वृषभाचार्य देव तिलोय पंडित्ति में ऐसा स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ऊंट घोड़ा गधा इस तरह के शब्दों के प्रयोग किए, ऐसे जानवर और उन जानवरों की लाश कई 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 महीनों तक
दो चार छह महीने तक तड़पी रहे, फिर कैसी दुर्गंध होती होगी उसकी, उससे भी अनंत गुनी ऐसे शब्द दिए वहां। मैंने मैं तो इसको जब समझाता हूँ तो ऐसा कहता हूँ, यहाँ भी कही होगी कभी बात कि घर में चूहा मर जाए तो उसकी दुर्गंध आपने महसूस की है कभी? किसी जगह पर चूहा मर गया हो घर में, किसी जगह पर दब करके कहीं, और थोड़े घंटा आध घंटा तो अपने को लग रहा हो कि, और फिर धीरे धीरे वो दुर्गंध बढ़ती चली जाती है, और आप सोच लीजिए यदि वो कमरा बंद हो और आप कहीं तीन दिन के लिए यात्रा गए हो और पीछे से दो दिन पहले चूहा कोई मर जाए और आप आकर के दरवाजा खोलें, तो वो तीन दिन बाद में जो वो दुर्गंध है, वो दुर्गंध आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खतरनाक दुर्गंध होती है। चूहा मरा है और तीन दिन पहले मरा है, और वही चूहा तीन महीने तक पड़ा रहे तो ऐसे कह रहे हैं ऊंट आदि ऐसे बड़े बड़े जानवर और कई महीनों तक पड़े रहे, तो जो दुर्गंध मतलब ऐसी दुर्गंध होती है कि जिस दुर्गंध मात्र से ही व्यक्ति के प्राणांत हो जाएं। ऐसी दुर्गंध काट काट के उठाते ही हैं आती तरीके जीव को, तो कैसे किसमें सामर्थ्य है उस हाथी को उठाने की ले जाने की, कोई दो चार पांच आदमी 25-10-20 आदमी मिलकर के थोड़ी ना उठा सकते हैं उसको, पीस कर करके उसके शव को, हाथी को मतलब उसके शव को जो पड़े रहते हैं कहीं, तो क्या करते हैं उसको, लाश को उसको ऐसे ही उठाते हैं दुर्गंध आदि के। और क्या दुख है, इस दुर्गंध की चर्चा करते हुए तो ऐसा भी उल्लेख किया है एक परमाणु नरक की मिट्टी का, पहले नरक की पहले बदल की मिट्टी का, उसका एक परमाणु मात्र निकल करके यहाँ आ जाए जड़ी बाजार में, तो समझ लो आज जयपुर का कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रहे मनुष्य गति का जी। एक परमाणु सुई की नोक से भी बहुत बारीक, इतना परमाणु कोई वहां से निकल करके यहाँ आ जाए कहीं, तो मनुष्य गति के जीवों की बात त्रियंश तो बचेंगे ही नहीं कोई, कोसों तक के जीव मानो आप जयपुर पूरा जयपुर बिल्कुल सब शमशान भूमि बन जाए ऐसी स्थिति है उसकी दुर्गंध के कारण, ऐसे मृत्यु हो जाए। गैस कांड भी कुछ नहीं है उसके, हाँ भोपाल गैस कांड भी कुछ नहीं है उसके आगे। ये कह रहे हैं दुर्गंध के दुख है, और ऐसा कोई एक एक परमाणु ही थोड़ी ना नरक में क्यों, और साहब एक परमाणु इतना खतरनाक है तो एक परमाणु वहां नरक में होगा तो एक परमाणु क्या, वहां की भूमि पूरी ऐसी है, वहां का पूरा क्षेत्र ही ऐसा है, जमीन ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है। इतना ही नहीं समस्त रोगों के दुख पाए जाते हैं, करोड़ों दुख करोड़ों रोग कहते हैं एक साथ, ये रोम रोम में जितने रोग कहे सारे रोग एक साथ उदय में आते हुए दिखाई देते हैं वहां शरीर में, ऐसे पाए जाते हैं। और फिर इतना तो क्षेत्रजन्य दुख है, इतना सर्दी गर्मी के दुख है, शारीरिक दुखों से स्वयं परेशान है, मानसिक दुखों से अपने आप ही पीड़ित है, इतना होने के बावजूद भी नारकियों द्वारा दिया जाने वाला दुख, नारकी दुख देते हैं, तथा परस्पर दुख देने की प्रवृत्ति वाले असुर कुमारों द्वारा तीसरे नरक तक दिए गए दुख। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तीसरे नरक तक असुर कुमार जाति के देव बिड़ाते हैं लड़ाते हैं, उनके द्वारा दुख दिए जाते हैं। संकनिष्ठा सुरु धीरे दुखाश्च प्राप्त चतुर्थ्या, तो शायद पहले दूसरे तीसरे नरकों में ज्यादा दुख होंगे, आगे तो उनके उनको परमिशन नहीं है दुख देने की, तो आगे तो शायद सुखी है। आगे असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा दुख नहीं है, लेकिन उसके बिना ही उससे ज्यादा दुखी है, वेदना कम नहीं है उससे ज्यादा पीड़ित है। परस्पर दुख देने की प्रवृत्ति वाले असुर कुमारों द्वारा तीसरे नरक तक दिए गए दुख इत्यादि दुखों का वर्णन कहां तक करें, नारकियों का शरीर दुख का ही निवास है, कहां रह रहे हैं पाप कर्म के फल में ये जीव के दुख का ही निवास है, दुख में ही निवास करते हैं। इस प्रकार पाप कर्म के फल में सदैव क्लेश भोगना
प्रति समय कर्म प्रकृतियों का प्रगाढ़ बंद होना, निद्रा में बेसुध होना और आयु के अंत में मरना, इन दुखों में सुख मानना, मान आश्चर्य की बात है। क्या कह रहे हैं? तो कैसी बात कह दी? ये चार गति के दुखों का वर्णन किया, अंत में निष्कर्ष देते हुए कह रहे हैं ये सारे दुख भोगते हुए भी तुझे कहता है कि हाँ अच्छी भीतरी है अपनी तो लाइफ। अभी कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य होता है, तू कहीं कैसे रहा है, तेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकल रहे हैं, अपन तो साहब मजे में है, कोई तकलीफ नहीं है। क्यों साहब, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अरे अपने को क्या तकलीफ, सब बढ़िया, आराम से, सब सुविधाएं हैं, थाट से रहते हैं हम तो। आचार्य देव कह रहे हैं अरे मूर्ख, ऐसी अवस्था में भी तू सुख मानता है, महान आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं, हमारे को घोर आश्चर्य होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है तू ऐसा सोच कैसे रहा है, तुझे इसमें सुख कैसे लग रहा है, किन किन बातों में? पाप कर्म के फल में सदैव क्लेश भोगता रहता है, टेंशन में रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है, परेशान रहता है, दुख देने वाले दिखाई देते हैं, पाप कर्म के वजह से शारीरिक मानसिक वेदनाएं अनेक प्रकार की भोगता है, पारिवारिक परेशानियां बहुत रहती है, कभी बिजनेस संबंधी रहती है, कभी सर्विस संबंधी रहती है, हैं कभी सामाजिक रहती है, कभी आस पड़ोस वालों की टेंशन रहती है, कभी मकान मालिक है तो किराएदार की टेंशन है, और किराएदार है तो मकान मालिक की तरफ से टेंशन रहती है, नहीं हर जगह जहाँ देखो वहाँ टेंशन ही टेंशन में, परेशानी के अंदर अपना काल व्यतीत करता हुआ महाक्लेश भोगता है पाप कर्म के फल में, और प्रति समय कर्म प्रकृतियों का प्रगाढ़ बंद करता रहता है, बांधा जाता है, निद्रा में बेसुध होता है, बेसुध पड़ा रहता है, कुछ होश नहीं है, खान पीन के अंदर कभी रिएक्शन हो जाता है, कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कुछ उल्टी दस्त हो जाते हैं, है कभी भूख नहीं लगती है तो कभी भूख बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, हैं कभी पेट दर्द करता है, कभी कुछ होता है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, हैं कभी आँख से दिखाई नहीं, कभी एकदम ही उंगलियां हिलना बंद हो गया, कभी पैर खो जाता है, कभी उठा नहीं जाता है, क्या दशा है बोलो शरीर की, ये बेसुध पड़ा रहता है बिना विचार विवेक के, ये ऐसे कार्य होते हुए भी, और कब तक भोगता है कि आयु के अंत में मरेगा, भी मरना चाहे तो मर नहीं सकता है, आयु पूरी होगी तो मरेगा, जीवन भर ये सोचता रहे हे भगवान उठा लो तो अच्छा है, हे भगवान मुझे भी उठा लो, हे भगवान मरना चाहते, हे भगवान अब तो ये दुख बर्दाश्त नहीं होते मेरे से, ऐसी वेदना होती है कभी कभी तो कि लगता है मर जाए, कहते हैं आयु के अंत तक जिंदा रहना पड़ेगा, और ये शब्द भुगता हुआ भी महान आश्चर्य है कि इनमें सुख मानता है। एक व्यक्ति के पास करोड़ों का रत्न आ गया था तो उससे उसको चैन नहीं था कि कोई तुरंत नहीं जाए, कोई क्या न हो जाए, बोलो आप। ऐसी हालत है, महान आश्चर्य की बात है। इसलिए अब क्या करें, हे जीव इन दुखों से उदास होकर सुख के मूल कारण भूत जगत से उदासीनता को अंगीकार कर। क्या कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं, इन दुखों से उदास होकर, इन दुखों से परेशान होकर, इन दुखों से व्याकुल होकर, इन दुखों से खेद खिन्न होकर, सुख का जो मूल कारण भूत है उसके लिए, सुख का जो असली कारण है वो क्या है, जगत से उदासीनता को अंगीकार कर, ये काम करना है, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। सिद्ध भगवान की पूजन की पंक्ति है, 9 बार बोलते हैं अपन ये पंक्ति, होकर निराश सब जग भर से, बार बार में ये कह रहे हैं, माने समझिए आप जल को आनंद का कारण माना, चंदन को आनंद का कारण माना, ठीक है ना, नैवेद्य आदि अन्य वस्तुओं से सुख मानता रहा, प्रकाश का कारण दीपक आदि से सुखी होता रहा, और पुण्य का फल उत्कृष्ट जानकर, और बाह्य में भोग सामग्री और ये सब फल मिलकर के सुखी होना मानता रहा, लेकिन इनमें मुझे सुख नहीं मिला तो सब मिलने पर भी मैं निराश हो गया, जल पिया और चंदन चर्चा, मालाएं सुरभित सुमनों की पहनी, तंदुल से ये व्यंजन और दीपावलियों की रत्नों की सुरभि धूपायन की पहली, शुभ कर्मों का सब फल पाया, लेकिन आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया, जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ,
सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया, अर्घ है सिद्ध भगवान का, सिद्ध पूजन का। जल से फल तक का वैभव यह मैं आज त्यागने हूँ आया, होकर निराश सब जग भर से सिद्ध शरण में मैं आया। पूरा जल से फल तक का वैभव समर्पित करने के लिए अर्घ में क्या करते हैं अपन, बोलो अर्घ में क्या चीज चढ़ाते हैं अपन? जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, और सबको मिला करके बन गया अर्घ। तो जल से लेकर के फल तक का ये सारा वैभव है, ये सब समर्पित करने के लिए। क्यों साहब ये सारा का सारा वैभव समर्पित कर रहे हो? इतनी सामग्री, इतनी सुविधाएं, इतना शुभ कर्मों का फल, इतनी अनुकूलताएं, सब कुछ आपको मिली, अब क्यों आप त्याग कर रहे हो? ये सब क्यों छोड़ रहे हो? क्यों समर्पित करने आए हो? तो कर निराश सब जग भर गए। क्या आकुलता फिर भी बनी रही, कारण शुभ कर्मों का तो फल पाया, और फिर भी शुभ कर्मों का फल मिलने के बावजूद भी, पुण्य का उदय मिलने के बावजूद भी, बहुत तीव्र पुण्य का उदय, अति पुण्य उदय मम आया, बहुत भाग्य उदय, जिसके भाग्य उदय स्टार जिसके हैं बहुत अच्छे हो, समझो आप, तो भी कह रहे हैं शुभ कर्मों का फल मिलने के बावजूद भी आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण? जान नहीं पाया मैं। बोलो कितना स्पष्ट शब्दों में, डॉक्टर साहब की पूजन है, मैंने कितना स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया, अब पता ही नहीं क्या है, मैं कारण ही जान नहीं पा रहा हूँ कि मैं आखिर परेशान क्यों, मुझे इस कारण का ही पता नहीं लग रहा है कि आकुलता क्यों बनी हुई है, इस आकुलता का कारण क्या है, आखिर इस आकुलता के पीछे क्या हेतु है, और ये मिटेगी कैसे? जब आपके ऊपर दृष्टि पड़ी तो मुझे पता लगा कि अरे अरे इन सब सामग्रियों को इकट्ठा करने में सुख नहीं है, क्योंकि इन सब सामग्रियों को छोड़ देने पर भी आप अनंत सुखी हैं, तो इन सब के इकट्ठा करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? इसलिए जगत से निराश होकर, बाह्य अनुकूलताओं से निराश होकर, पुण्य के उदय में मिलने वाले वैभव और संपत्ति से निराश होकर, यश प्रतिष्ठा बाह्य मान सम्मान आदि सबसे निराश होकर, घरवार परिवार की अनुकूलताओं से निराश होकर, हताश होकर, उदासीन होकर, हे सिद्ध परमात्मा अब आपके चरणों की शरण में आया, होकर निराश सब जग भर से, सारे जगत से, सारी दुनिया से हताश हो गया, आपको कहीं सहारा नहीं मिला, इस असार संसार में शरण नाही प्रभु को, याते तुम पद भक्ति को भक्ति सहाय होए, ये अपार संसार में कोई शरण नहीं है, कहीं सहारा नहीं है, कहीं चैन नहीं मिला है, कहीं सुख नहीं है, इसलिए सबसे उदासीनता को अंगीकार कर और सबसे उदास होकर हे सिद्ध परमात्मा आपके चरणों की शरण में, और जो सुख का मूल कारणभूत अपना ज्ञायक तत्व है उसकी शरण में आ गया हूँ, आ गया हूँ, ये तो समझदार लोगों का काम है, और जो नहीं आए हों उनको कहते हैं उदासीनता अंगीकार कर अपनी शरण ले। उपदेशात्मक शैली में कह रहे उदासीनता को अंगीकार कर, सब कैसे उदासीन हो जाऊं मैं, सबसे उदासीन होने की बात करते हो, घर से, परिवार से, शरीर से, सबसे उदासीन होने की बात करते हो, कि एक बार तो इनका स्वरूप देख ले, शरीर का बंदी गृह रूप शरीर स्वरूप बतलाया है, और फिर घर कुटुंब आदि का स्वरूप बतलाया है, जब इनका स्वरूप जान लेगा तो अपने आप इनसे उदासीन हो जाएगा। जब तक पता नहीं होता है तब तक अच्छा अच्छा मान करके प्रसन्न रहता है, और जैसे ही पता लगता है फिर इसको उदासीनता आ जाती है। जैसे ही पता लग जाए ना अपने को कि अरे अरे ये बेटा तो मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा था, तो फिर उदास हो जाता है, अरे यार मैं जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मैं रात दिन में जिसके लिए ही मर मर के जिया, और समझो आप यही मेरे को मारना चाहता है, यही मेरे को दुख देना चाहता है, इसके मंदर इसके अंदर में इतने खोटे परिणाम चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ये उदास हो जाता है, फिर हताश हो जाता है। हाँ ये कह रहे हैं इसी तरह तो एक बार सोच ले, जिसके लिए तू अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन की घड़ी बर्बाद कर रहा है, एक एक घड़ी दुर्लभ मनुष्य जीवन की, जिस शरीर के लिए और जिस परिवार के लिए लुटा रहा है, बर्बाद कर रहा है,
और जो करता हुआ सुख शांति चाह रहा है, ये आचार्य देव कह रहे हैं ये शरीर तुझे बांध देने वाला है, ये शरीर बंदी ग्रह के समान है, ये जेल है। कब तक रहेगा? जब तक इस जेल में बंद रहेगा तब तक तुझे ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। बोलो, वहां पुलिस वाले पकड़ करके ले गए और किसी चीज के जांच करते समय, पूछताछ करते समय खूब पीट रहे हैं, बर्फ के सल्ला पर लिटा दिया, बांध दिया, पीट रहे हैं कि साहब ये दुख कब तक भुगता रहूंगा मैं। तो कोई समझदार व्यक्ति उसको ये कहता है कि जब तक तू इस बंदी गृह में रहेगा तब तक दुख भुगता रहेगा, जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक यहाँ तो यही हाल है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि हम शरीर में हैं, कभी सर्दी और कभी गर्मी, कभी भूख और कभी प्यास, कभी तन वेदना से दुखी हुए, कैसी परेशानियां है, कब तक भुगता रहेगा? कि जब तक इस शरीर की जेल में रहेगा तब तक तो भुगता रहेगा, और इस जेल से बाहर निकल गया और फिर छूट जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जेल से बाहर निकले और दूसरी जेल में चला जाए तो कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, इस जेल से सदा सदा के लिए छूट जाए, माने मुक्त दशा को प्राप्त हो जाए। जेल से छूटने का मतलब मुक्त होना है, जेल से निकाल कर किसी गाड़ी में बैठा कर और दूसरी जेल में ले जाया गया। जब एक जेल का ताला खोल करके बाहर निकला था तो इसको ऐसा लगा कि मैं मुक्त हो गया। अरे मूर्ख, मुक्त कहाँ हुआ है, तुझे दूसरी जेल में ले जाया जा रहा है। जब ये शरीर छूटा तो इसको ऐसा लगा अब तो मुक्त हो गया। ये मुक्त कहाँ हो गया? एक दो तीन और चौथे समय में दूसरी जेल में, विग्रह गति का काल, और उसके बाद में फिर नई जेल में, फिर तिरंज गति की जेल में, के नरक गति की जेल में, ये चलता रहता है। वहां से निकला तो अब तो फ्री हो गया, अब तो मुक्त हो गया, अब मुझे यहाँ के दुख नहीं भोग रहे, तो दूसरा शरीर मिल रहा है, दूसरी जेल में जा रहा है। परमानेंट मुक्ति चाहिए, देह मुक्ति आज तक कभी हुई नहीं इसकी, आज तक कभी इसने शरीर छोड़ा नहीं। यदि एक बार के लिए भी शरीर छूट जाता तो फिर दोबारा शरीर धारण ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो साहब, शरीरधारी कहाँ दिखाई देते हैं, सब शरीर छोड़ छोड़ के जाते हुए दिखाई देते हैं, मरण तो होता ही है ना। कह रहे रे, ये शरीर छूटने का नाम शरीर छूटना नहीं है, शरीर पांच प्रकार के होते हैं, पता है आपको? ये तो औदारिक, ये जो शरीर दिखाई देता है जिसे छोड़ करके चला गया, ये तो औदारिक था, और दो और लगे थे साथ में जिसका नाम तेजस शरीर और कारमान शरीर था। उस तेजस और कारमान शरीर को साथ में लेकर के जाता है, वो अनादि काल से उनका संबंध बना हुआ है, अनादि संबंधे तत्वार सूत्र का सूत्र है। अनादि काल से तेजस और कारमान शरीर का संबंध बना हुआ है। तो फिर साहब ये कब छूटेगा? ये मोक्ष होगा तो तेजस और कारमान का संबंध भी छूट जाता है। या समझ लीजिए, पांचों प्रकार के शरीरों का संबंध जब छूट जाता है तब इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब ये जीव मुक्त होता है, तब ऐसा कहा जा सकता है कि ये असली में मुक्त हुआ है। अदरवाइज उसके बिना यदि हम देखें बात तो बंदी है, तन कारागृह, वनिता भेड़ी, परिजन जन रखवारे। बोलो आप, ऐसी दशा है। तो तन कारागृह शरीर जो है वो कैसा है? कारागृह के समान है। बंदी गृह का मतलब कारागृह ही होता है, जेल है, शरीर रूपी जेल में ये जीव बहुत लंबे काल से रह रहा है। देखिए, जिस शरीर को अपना मानकर तू उसमें अनुरागी होता है, क्या कह रहे हैं आचार्य? जिस शरीर को अपना मानकर तू उसमें अनुरागी होता है, उसका स्वरूप आगामी छंद में बतलाते हैं। माने तू तो हो रहा है अनुरागी, और तू जो अनुराग कर रहा है, पहले एक बार स्वरूप जान ले, फिर कितना अनुराग रह पाएगा और कितना अनुराग कर पाएगा वो बात की बात है। बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, स्त्री पुत्रादिक के प्रति, मित्रादिक के प्रति जो राग दिखाई देता है, एक बार उसका स्वरूप पता लग जाए कि अरे ये मेरा हित,
हित इच्छुक नहीं है, मेरा हित चाहने वाला नहीं है, इसके अंदर में तो मेरे प्रति दुश्मनी है, बहुत ज्यादा शत्रुता है, ऐसा स्वरूप पता लग जाए फिर उस मित्र के प्रति कितना राग करेगा ये। किसी व्यक्ति के प्रति बहुत राग करता था और अंदर की बात पता लग गई, क्यों ये तो उस बात का बदला लेना चाहता है मेरे से, ये तो मित्र बनकर के मेरे साथ में रह रहा है लेकिन इसके अंदर में तो बहुत विद्रोह की भावना है, आप इनका सांप है ये तो। बोलो, ऐसा विचार करता हुआ व्यक्ति, ऐसा विचार करने वाला जो है ना, ये कैसे हमारा साथ देगा, जिसके अंदर में विचार ऐसे चल रहे हैं, जिसके अंदर में ऐसे खोटे परिणाम चल रहे हैं, वो तो समझ लीजिए आप दुश्मन ही है मेरा, और जिसकी ऐसी अंतरंग बात का पता लग गया अब उसके प्रति अनुराग नहीं हो सकता है हमारे को, ठीक है ना, क्योंकि वो विरोधी है। ये बात यहाँ आगामी चंद में कहते हैं, शार्दुल विक्रीड़ित चंद है। रूप पाषाण विनिर्मित तिरास्मायुक्त पंडा चर्माचादित सजल रुधिर से और मास से लिप्त सदा रक्षित आयु साकल देवी मत करना इससे अनुराग। देखो कितने सुंदर बात कहते हैं, अस्थि रूप है, पाषाण से बना हुआ है, तेरा स्नायु आदि से बंधा हुआ है, चर्म से ढका हुआ है, जल से रुधिर से युक्त मास से लिप्त, कर्म शत्रु जिनकी रक्षा करने वाले शत्रु है, रक्षा करने वाले, आयु रूपी सांकलों से बंधा हुआ है, शरीर में निवास करता है, अरे मूड ये बंदी ग्रह है, जिस जगह तू रह रहा है इसमें आनंद मत मानना, ये बंदी ग्रह है, ये जेल है, तू मत करना इससे अनुराग, ये प्राणी तो इससे रंच मात्र भी अनुराग मत करना। ऐसे शरीर के बंदी ग्रह की चर्चा, माने बंदी ग्रह से शरीर की तुलना, माने शरीर और जेल इन दोनों की तुलना की है, और तुलना करते हुए ये सिद्ध किया है कि जेल में और शरीर में कोई फर्क नहीं है। फिर ये कहता है कि साहब जेल में तो हमारे को दिखाई देते हैं पहरेदार दिखाई देते हैं, जेल में तो सांकलों से बांधा जाता है, जेल में तो हम वहां से निकल नहीं सकते जब तक सजा पूरी न हो गए। तो ये कह रहे हैं इस शरीर में भी ठीक ऐसी दशाएं दिखाई देती है, दृश्यमान कुंडली या दृश्य, हाँ, इन सब का वर्णन यहाँ इस 59 नंबर के श्लोक में किया है। कल अपन इस प्रकरण को और आगे मैं हूँ अपने में स्वयं कोल पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी हर सची हमसे कुछ में संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, चंद्रमा शिव गुणानि कृष्ण शिव
Thank you.